दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। परिवारवादी, दबंग और अपराधी, ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली डीएनए है। काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज जो विधायक निवास में। और आगे की उनकी लाइन है, मेरी नहीं है। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। ये दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। जैसे अपराधी लोग आते ना, कहते मैं ये काम करूंगा तो तुम यहां पे अटेंशन डाइवर्ट करना और तुम ये अटेंशन डाइवर्ट करना। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि आप जो पीडीए का नारा देते थे, वैसे इसकी परिभाषा वो लोग अपने सुविधानुसार समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता, कभी वो कहते हैं ए का मतलब आदिवासी है, और जब से पाणे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो ए का मतलब अगड़ा भी बोलने लगते हैं। पर अब इस घटना के बाद जो उनकी मानसिकता उभर कर सामने आई है, उससे अब ये पीडीए तो मुखौटा है और इसके पीछे का असली चेहरा है परिवारवादी, दबंग, परिवारवादी, दबंग और अपराधी। ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली डीएनए है कि दबंग और अपराधियों के माध्यम से परिवारवाद की सत्ता को पुनः प्राप्त करना अथवा सुनिश्चित करना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये इनके चरित्र में है, राजनीतिक डीएनए में है। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा बहुत पुराने और बड़े प्रसिद्ध समाजवादी नेता और शायर हुए अदम गोंडवी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों से दुखी होकर दो पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज जो विधायक निवास में। और आगे की उनकी लाइन है, मेरी नहीं है। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। तो ये इनका जो असली चेहरा है वो मैंने उन्हीं के एक नेता और उन्हीं के एक शायर के जबानी मैंने बताने का प्रयास किया। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है कि ये ऐसे तत्व है इंडी गठबंधन वाले, अपराधियों को संरक्षण देने की उस दुर्दांत मानसिकता के प्रतीक हैं जो संविधान को ही खतरे में नहीं डालती, समाज को भी खतरे में डालती है और किसी भी व्यक्ति की जान को भी किसी भी समय खतरे में डाल सकती है।